आधार कार्ड का पासवर्ड या फिर किसी भी पीडीएफ फाइल का पासवर्ड आप रिमूव करके उसको अपने यार दोस्तों को सेंड करना चाहते हैं या उसको इंटरनेट पे अपलोड करना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए। आप अपने मोबाइल से ही ये सारा काम कर पाएंगे, आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट पीडीएफ में जाना है, अपनी फाइल को अपलोड करना है, यहाँ पर फिर से अनलॉक पीडीएफ पे क्लिक करना है, आपकी फाइल अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपसे आपका पासवर्ड पूछा जाएगा आधार कार्ड का। आधार कार्ड का पासवर्ड आपके नाम के शुरू के 4 कैरेक्टर और आपके डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा, नहीं तो आपके क्षेत्र का जो भी आपने पिन कोड डाला होगा आधार कार्ड बनाते हुए वो होगा। उसको डालने के बाद आपको यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है। अब आप डाउनलोड अनलॉक पीडीएफ पे क्लिक कीजिए, आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए आपने ओपन कीजिए, ये बिना पासवर्ड की फाइल है, आपके फाइल का पासवर्ड रिमूव हो गया है। नेक्स्ट तरीका यह है, आप अपनी पीडीएफ की फाइल को अपने मोबाइल में ओपन कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। तीसरा तरीका आप अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी पीडीएफ की फाइल को ओपन कीजिए, हम आधार कार्ड ओपन करते हैं। आधार कार्ड का जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो आपके नाम के शुरू के 4 इनिशियल कैरेक्टर और प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर होता है। मान लीजिए किसी का नाम रमेश है तो उसको RAME और प्लस अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका ईयर टाइप कर देना है, और अगर किसी का नाम राम कुमार है तो उसको RAMK लिखना है, स्पेस नहीं डालना है बीच में, और अपना ईयर लिख देना है। आपकी जो पीडीएफ की फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। जब आपकी फाइल ओपन हो जाएगी तो आपको यहाँ पर कंट्रोल पी करना है या फिर प्रिंट कमांड देनी है। प्रिंट कमांड देने के बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका प्रिंटर सिलेक्ट होगा, आपको उसको हटाना है और अपनी फाइल को आपको सेव एज पीडीएफ करना है। आप सेव एज पीडीएफ करेंगे तो आपकी फाइल जो है कलर में ही सेव हो जाएगी। आप इसको इसी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं बिना किसी पासवर्ड, लेकिन अगर आप इसको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ करेंगे तो आपकी फाइल के कलर चले जाएंगे, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। तो हम इसको सेव एज पीडीएफ करते हैं, और ये देखिए यहाँ पर हम इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, WP विदाउट पासवर्ड लिख के सेव कर लेते हैं। इस फाइल को ओपन करते हैं, देखिए अब ये हमसे पासवर्ड नहीं पूछेगा, इसका पासवर्ड रिमूव हो चुका है। वन टाइम हम और इसको रिपीट करते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट टू प्रिंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, हम अपनी फाइल खोलते हैं, पासवर्ड डालते हैं, अपने नाम के शुरू के 4 इनिशियल डालते हैं, उसके बाद अपना ईयर डालते हैं। अब देखिए फाइल ओपन हो गई है, कंट्रोल पी करते हैं या प्रिंट कमांड देते हैं और माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ करते हैं। इस फाइल को हम प्रिंट करके सेव कर देते हैं। ये फिर से हमसे फाइल का नाम पूछेगा, हम यहाँ पे कोई भी नाम रख के फाइल को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद वापस से डेस्कटॉप पे चलते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। देखिए ओपन करने के बाद ये फाइल आपकी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। आप पर डिपेंड करता है आपको फाइल ब्लैक एंड व्हाइट में रखनी है या फिर कलर में रखनी है, उसको आप उसी फॉर्मेट में रख सकते हैं। कलर रखिएगा क्योंकि बहुत सारी डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल मांगे जाते हैं अपलोडिंग में, तो आप अपना आधार कार्ड सेव एज पीडीएफ करके सेव कीजिए। थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार सत श्री अकाल सबका खैर सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।